दोस्तों बट पे सेलिमेटर से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेकर आए। आज जो बात होगी वो होगी साइड बार विजिट के बारे में। हम पहले एलिमेंटर पेज को खोलते हैं। हम जाएंगे पेजेस में, ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे। ऑल पेजेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर होम है, हम यहाँ पर होम पेज खोलेंगे एडिट विद एलिमेंटर फंक्शन पर क्लिक कर। तो लेफ्ट साइड में दोस्तों काफ़ी एलिमेंटर के विजिट आ रहे हैं जो हमने सारे क्लियर करा दिए थे, अब कुछ ही गिने चुने रह गए हैं तो हम उनको भी कंप्लीट कर देते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो आप हमारे एलिमेंटर की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर आप सभी विजिट को सीख सकते हैं, ठीक है। आज जो बात होगी वो साइड बार विजिट के बारे में बात होगी। तो एलिमेंटर के अंदर साइड बार विजिट क्या है, हम कैसे साइट के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं, इसके अंदर फंक्शन फीचर कौन कौन से होते हैं, तो साइड बार विजिट जानने के लिए सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक बता दें आखिर साइड बार विजिट है क्या है। दोस्तों अगर आपको अपनी वेबसाइट ब्लॉग के होम पेज या कहीं पर भी पोस्ट या पेजेस में साइड बार आपको इंसर्ट कराना है, जिसमें आपको अपनी मनपसंद विजिट या कह सकते हैं जो जरूरत वाले विजिट है वो इंसर्ट कराना है, उस एरिया में करा सकते हैं, ठीक है। तो आप कितने भी साइड बार होम पेज या पोस्ट में इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो हम एक ही यहाँ पर साइड बार बनाएंगे, ठीक है। तो आपको एरिया सेलेक्ट करना है, आपको कहाँ बनाना है साइड बार, ठीक है। तो हम बनाते हैं यहाँ पर दोस्तों इसके बीच में, ठीक है। तो प्लस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कितने कॉलम में आपको साइड बार बनानी है वो आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, उसी को हम सीखेंगे, ठीक है। तो हम दो कॉलम वाला ले लेते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक इमेज डाल देते हैं प्रैक्टिस के तौर पर कोई भी। अब दोस्तों यहाँ पर हम साइड बार बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा साइड बार होगा, तो यहाँ हम जाएंगे और साइड बार का विजिट देखेंगे, ये है। माउस का लेफ्ट बटन दबाकर यहाँ ड्रैग कर देंगे, ठीक है। एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ लगा चूज साइड बार और फिर एडवांस आने लगे, ठीक है। तो अभी इन पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं आएगा साइड बार में, क्योंकि आपको यहाँ पर डिजाइन करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होगी तभी ये आएंगे। तो बहुत से यूजर कहते हैं हम साइड बार इंसर्ट कराते लेकिन ये आता ही नहीं है ना। तो आपको ये बट पेज की सेटिंग में जाकर विजिट की सेटिंग करनी होगी, ठीक है। तो हम जाएंगे बट पेज के अंदर और यहाँ पर अपेरेंस में जाएंगे, यहाँ विजिट मिलेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप साइड बार विजिट के द्वारा ही तो बनाएंगे, है ना। तो हमने यहाँ पर विजिट पर क्लिक किया। अब यहाँ पे आ रहा है मेन साइड बार, हेडर, फुटर बार सेक्शन, फुटर बार सेक्शन टू, यहाँ पर इनएक्टिव विजिट, ठीक है। तो आपको कौन सा साइड बार बनाना है, तो मैं यहाँ पर देखिए मेन को बना लेता हूँ। जैसे मेन पे क्लिक करूँ साइड बार इंसर्ट हो जाए, ठीक है। अभी नहीं हो रहा, तो अभी हम यहाँ पर मेन साइड बार बनाएंगे। तो विजिट पर जाएंगे फिर से, यहाँ पर है मेन साइड बार, ये है। प्लस पर क्लिक करेंगे, आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइल ऐड कर लेते हैं एक विजिट में, सिलेक्ट फाइल कोई भी यहाँ पर ले लेते हैं एमएस वर्ड की, ठीक है। दूसरा विजिट ले लेते हैं यहाँ पर, प्लस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ डाउनलोड फाइल, ठीक है। प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर और ले लेंगे फाइल, यहाँ पर हम ले लेंगे, चलिए एक वीडियो ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यूआरएल डाल देते हैं, ठीक है, वीडियो का। ये ले लेते हैं विजिट का जो लिंक है इस वीडियो का, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और एरो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। दो हमारे यहाँ पर हो गए, ठीक है। एंड यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं विजिट, प्लस पर क्लिक करेंगे, ब्राउजर पर जाएंगे, यहाँ पर कुछ और विजिट ले लेंगे, यहाँ पर आरएसएस फीड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यूआरएल लेंगे, प्रैक्टिस तौर पर आरएसएस फीड यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर लेने के बाद आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर मेन साइड बार आपको बनाना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर चूज साइड बार है, तो यहाँ पर मेन सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अभी ये नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको पहले यहाँ रिफ्रेश करना होगा। तो कहने का मतलब ये, पहले आपको यहाँ पर ये बना लेना है, तब जाकर आप यहाँ इंसर्ट कराएंगे क्या साइड बार को, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप ये सेटिंग करेंगे अपनी जो भी साइड बार की रखना चाहते हैं, ठीक है। तब जाकर आप ये सेटिंग कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंसर्ट कराया था इमेज, मुझे ये नहीं कराना चाहिए, मुझे बाद में कराना चाहिए था, ठीक है। तो ये बाद ये आपको बाद में करना है, पहले आपको यहाँ पर साइड बार जनरेट कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर इसको उठा देते हैं मैसेज बॉक्स को, यहाँ पर देखिए आने लगा, ये देखिए डाउनलोड फाइल आने लगी। एंड यहाँ पर
वीडियो आने लगा, जो लिंक डाला आरएसएस फीड आने लगा, तो आरएसएस फीड हमने लिंक बनाया नहीं था, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये आने लगा। और भी आपको पेजेस जोड़ना है तो इस पर क्लिक करके आप और भी जोड़ सकते हैं। प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम पेज लिस्ट भी जोड़ सकते हैं। इस पर क्लिक करके देखिए पेज लिस्ट भी आने लगेंगे। एंड यहाँ अपडेट कर देंगे, अपडेट करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पेजेस भी आने लगे। तो इस तरह से आप साइडबार बनाएंगे। अब दोस्तों आपको लगे कि मुझे यहाँ पर मेन नहीं कुछ और साइडबार बनाना, मुझे हेडर बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको हेडर बनाना होगा। तो मैं सिंपल से हेडर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं हेडर बनाऊँगा। तो हेडर में क्या रखना है वो आप यहाँ पर रखेंगे, ब्राउजर पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ कुछ भी एक चीज़ ले लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा देखते हैं, कैटेगरी पर कैटेगरी मैंने बनाई नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर सर्च ले लेते हैं, ठीक है, सर्च पर क्लिक करेंगे, सर्च ऐड कर दिया मैंने, ठीक। एंड यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे पेज को। एंड यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर बनाएंगे एक और साइड बार। प्लस पर क्लिक करके यहाँ बना देते हैं, ए ले लेते हैं एक, ठीक है। एंड प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम ड्रैग कर देंगे साइड बार, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे हेडर, ये देखिए हेडर में ये आने लगा, ये देखिए सर्च बार, है ना। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, आप चाह रहे हैं ये मेन नहीं आए साइड बार हेडर आए, तो आप हेडर सिलेक्ट करेंगे, देखिए हेडर आएगा, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर आप साइड बार डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने फुटर में कोई भी विजिट इंसर्ट कराए हैं, आप चाहते हो उस एरिया में या साइड के, तो बस आपको एरिया सिलेक्ट करना है और फुटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, है ना। तो यहाँ फुटर बन जाएगा आपका, है ना। तो बहुत से ऐसे यूजर होते हैं जिनको साइड बार बनाना होता है साइट के अंदर किसी भी एरिया में, जिसमें हेडर भी हो सकता है, मेन साइडर बार भी हो सकता है, फुटर वन या फुटर टू भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए मैं इसकी कुछ सेटिंग के बारे में बात करते हैं, इसे मैंने हेडर पर ले लेते हैं। यहाँ पर हम सेटिंग करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एडवांस में जाएंगे, तो यहाँ पर मार्जिन सेट कर सकते हैं आप साइड बार का, पेडिंग सेट कर सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पर एक फंक्शन है वो है पोजिशन, काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे फिक्स कर देंगे तो जब आप स्क्रॉल करेंगे तो साइड बार यहाँ पर हाइड नहीं होगा, ये देखिए फिक्स हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ये देखिए, है ना। एंड यहाँ पर आप ऑफसेट करेंगे साइड बार यहाँ पर सेंटर में आया, ये देखिए हाइट बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो आप इसे फिक्स कर सकते हैं, मैं इसे डिफॉल्ट कर देता हूँ। फिर है मोशन इफेक्ट, आप मोशन इफेक्ट भी डाल सकते हैं साइड बार में, कहाँ ये साइड बार आपका ये है, देखिए मोशन इफेक्ट आ जाएगा साइड बार में, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना। एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो रोटेट कर सकते हैं आप अपने साइड बार को, देखिए, एन या 3D रोटेट कर सकते हैं, जैसा आप करना है वैसा आप कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, ये देखिए, एन यहाँ पर रोटेट बाय कर सकते हैं, एन यहाँ पर प्रिसेप्टिव कर सकते हैं, जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। ऑफसेट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑफसेट एक्स, यहाँ पर ऑफसेट बाय कर सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पर SQ कर सकते हैं, है ना, एन यहाँ पर SQY कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको करना है फ्लिप ऑरिजेंटल वगैरह भी कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल भी यहाँ पर कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड, अगर आप, मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल पहले जैसा कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट, है ना, ये देखिए इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड अगर आप अपने विजिट के अंदर बैकग्राउंड डालना है तो डाल सकते हैं, कलर जैसा आपको लगे, ये देखिए। ध्यान रखना दोस्तों ये विजिट पर काम करेगा, ना कि आपके साइड बार पर, ठीक है, साइड बार के विजिट पर काम कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप इमेज डाल सकते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, जैसे कि आपको इमेज लगे तो यहाँ से आप इमेज भी सेट कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया, है ना। तो मुझे ये नहीं करना, मैं यहाँ पर डिफॉल्ट रह देता हूँ, यहाँ पर हटा देता हूँ बैकग्राउंड में, ठीक है, डिलीट, ठीक है। एंड नीचे आएंगे तो बॉर्डर, तो जो आपका बॉर्डर है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं सॉलिड वगैरह, ठीक है, यहाँ पर विजिट का डॉट डॉट करना है, देखिए सॉलिड करेंगे। अगर आप कॉर्नर घुमाना चाहते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर विद ही बॉर्डर विद कर सकते हैं, और फिर है रेडियस, ये कॉर्नर घुमाने के लिए, देखिए यहाँ पर कॉर्नर घूम जाएगा, मैं इसको देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर घूम रहा है ना। एंड यहाँ पर शेडो इफेक्ट भी डाल सकते हैं विजिट में, ये देखिए शेडो इफेक्ट डल गया, ठीक है, है ना। यहाँ पर जैसा आपको और चाहिए डिज़ाइन में शेडो इफेक्ट, तो ब्लर कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, ओरिजेंटल वर्टिकल शेडो इफेक्ट डाल सकते हैं। फिर है मास्क रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने विजिट को टैबलेट, मोबाइल या कंप्यूटर या डेस्कटॉप पर हाइड या शो करा सकते हैं। अगर आपको हाइड करना है तो इनको इनेबल कर लीजिए, शो कराना चाहते हैं तो आप इसको डिसेबल रहने दीजिए, इनमें कोई भी डिस्टर्ब मत कीजिए। एट्रीब्यूट एंड कस्टम, ये
प्रीमियम फंक्शन है, ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ प्रीमियम वर्जन लेंगे तो आपको ये यूज करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो जो सारे फंक्शन फीचर पाए तो कभी ना कभी आपके काम आएंगे। अब हम इसको अपडेट कर देते हैं और साइट को विजिट करते हैं, नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पर है ना, ये आ गया आपका विजिट, इसको मैं उठा देता हूँ, ये देखिए है ना। तो इस तरीके से आप अपने साइट के अंदर साइड बार इंसर्ट करा सकते हैं, हेडर करा सकते हैं, फुटर मेन्यू करा सकते हैं, कुछ भी आपको कराना है कैसा भी आप करा सकते हैं एलिमेंटर प्लगइन की हेल्प से, है ना। तो ये सारे फंक्शन फीचर को आप प्रैक्टिस कीजिए, ये कभी ना कभी काम आएंगे, इनकी आपको नॉलेज होगी तो आप और बेहतर तरीके से और अच्छी डिजाइनिंग के साथ अपने साइड बार को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं साइट पर। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।